दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको असम के टॉप प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए अगर आप असम जाने का प्लान कर रहे हैं तो। असम एक ऐसी स्टेट है जो कि तीन साइड से हिल्स से कवर्ड है एंड ये प्लेस अपनी ब्यूटी के साथ साथ टी गार्डन्स के लिए भी फेमस है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजत एंड आप देख रहे हैं सैटरडे शूटर्स। पहली प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है नगांव। बोला जाता है कि असम वर्ड नगांव डिस्ट्रिक्ट से ही आया है क्योंकि यहां पर नदियां, घाटियां, पहाड़ और हरे भरे मैदान मौजूद है। यहां आपको बहुत सारे टेंपल भी देखने को मिल जाएंगे। नगांव असम का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। नगांव में आप जा सकते हो वर्ल्ड का फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क जहां आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट प्लेस जो आप असम में विजिट कर सकते हैं वो है जोरहट। इस जगह पर काफी ग्रीनरी है। जोरहट में आपको बहुत सारे प्लेसेस मिल जाएंगे जहां पर आप विजिट कर सकते हो जैसे कि जोरहट साइंस सेंटर, जोरहट टी गार्डन्स, कोकोचेंग वाटरफॉल एंड और भी बहुत सारे डेस्टिनेशन। यहां तक पहुंचने के लिए आप डायरेक्टली ट्रेन से या फिर बस से आ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है कामाख्या टेंपल जो कि नीलाचल हिल्स में प्रेजेंट है एंड ये ओल्डेस्ट टेंपल है यहाँ का जो कि कामाख्या देवी को समर्पित है। यहाँ पर हर साल एक फंक्शन भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आपको हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है जिसको कि नीलाचल कहा जाता है। ये टेंपल सिंबल है वुमेन पावर के लिए। यहाँ की टाइमिंग्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में या फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 के बीच में कभी भी विजिट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी असम की लार्जेस्ट सिटी है और इसी के साथ साथ ये कमर्शियल, एजुकेशनल एंड कल्चरल हब है जो कि अपनी यहाँ की रिच हिस्ट्री को डिफाइन करता है। गुवाहाटी इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक है। गुवाहाटी में मिक्स कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। गुवाहाटी में आपको बहुत सारी प्लेसेस देखने को मिल जाएंगी जैसे कि इस्कॉन गुवाहाटी, असम स्टेट म्यूजियम, चंडुबी लेक, वशिष्ठा आश्रम, गुवाहाटी वॉर मेमोरियल एंड और भी काफी सारे प्लेसेस। गुवाहाटी में आप क्रूज का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है काकोचेंग वाटरफॉल। ये जगह भी असम की एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये प्लेस अपनी नेचुरल ब्यूटी एंड सीनिक व्यूज के लिए जाना जाता है। ये वाटरफॉल लश ग्रीनरी से घिरा हुआ है जिससे कि ये फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पिकनिक के लिए भी फेमस स्पॉट है। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप एक लोकल गाइड हायर कर लेना। यहाँ की बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करूं तो वो है अक्टूबर टू मार्च। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है मानस नेशनल पार्क। ये प्लेस फेमस है अपने बायोडाइवर्सिटी के साथ एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए जैसे कि बंगाल टाइगर्स। ये प्लेस अपने लश फॉरेस्ट, एविफोना के साथ साथ बहुत खूबसूरत लैंडस्केप के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आने के लिए एंट्री टिकट भी है जो कि है 200 रुपए पूरे दिन के लिए एंड 50 रुपए हाफ डे के लिए। यहाँ पर विजिट करने की टाइमिंग्स हैं सुबह 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है माजोली आइलैंड। ये जगह प्रेजेंट है ब्रह्मपुत्र रिवर में एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। यहाँ पर आप रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ ट्रेडिशनल असमीज मोनेस्ट्रीज जो कि सत्रस के नाम से भी जानी जाती हैं, वो भी विजिट कर सकते हो। माजोली में आप लोकल वाइब्रेंट फेस्टिवल भी इंजॉय कर सकते हो। ये प्लेस अपने यूनिक इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है यहाँ के टी गार्डन्स। असम को टी सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि असम इंडिया का लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है एंड यहाँ पर मैक्सिमम टी तो एक्सपोर्ट होती ही है, साथ ही साथ यहाँ की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट विजिट करते हैं यहाँ के टी प्रोडक्शन मेथड्स को देखने के लिए और यहाँ पे टी के बहुत सारे फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं। ये प्लेस बहुत ज्यादा हरी भरी है एंड यहाँ पर आपको बहुत स्टनिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ की टाइमिंग्स की बात करो तो आप यहाँ पर दिन के टाइम कभी भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है असम स्टेट जू। ये प्लेस नेचर लवर्स एंड एडवेंचरस एंथुजियास्ट के लिए बेस्ट स्पॉट है जहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस जू में 900 स्पीशीज के एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल प्रेजेंट है। ये प्लेस 1959 में स्टार्ट हुआ था। इस जू के फेमस एनिमल की बात करूं तो वो है वन हॉर्न राइनो एंड यहाँ पर आपको बाकी एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि क्लाउडेड लेपर्ड्स, चिंपैंजी, कंगारूज एंड और भी काफी सारे एनिमल्स। बात करूं यहाँ की टाइमिंग्स की तो आप यहाँ पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर एंट्री की टिकट भी है जो कि 30 रुपए पर पर्सन एंड ये जू हर फ्राइडे को क्लोज रहता है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो आप गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँच सकते हो एंड उसके बाद कैब या बस से आप कहीं तक भी पहुँच सकते हो। इंडिया के बड़े शहरों से आपको यहाँ तक के लिए ट्रेन भी मिल जाएगी। अब बात करूँ स्टे की तो आपको यहाँ पर बजट एंड लग्जरी दोनों ही होटल्स के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये थे असम के सब प्लेसेस। हमने इस ईयर एंड आगे के सारे ट्रिप ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। अगर आप भी ये ट्रिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन
कर दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।